हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में शिक्षा से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आई है। ये अपडेट आई है सीबीएसई की तरफ से। तो सीबीएसई की तरफ से 12th क्लास का जो री इवेल्यूएशन का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो के माध्यम से कि कैसे आपको अपना रिजल्ट चेकआउट करना है। इसके लिए हम चलते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देखिए, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट का यूआरएल एड्रेस है, जो कि है cbse.nic.in। इस यूआरएल एड्रेस को आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या कंप्यूटर के ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन है सीबीएसई रिजल्ट्स का, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सीबीएसई वेबसाइट का। यानी कि आप सीबीएसई वेबसाइट में एंटर करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, लेकिन आपको चूंकि रिजल्ट चेक करना है इसलिए आपको रिजल्ट के जो ऑप्शन पर यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। सीबीएसई रिजल्ट्स के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो इस विंडो में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th 2020 का रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि 15 जुलाई को अनाउंस हुआ था। उसके बाद क्लास 12th का रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि उसके बाद में डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद तीसरे ऑप्शन पे आपको मिलेगा जो रिज़ल्ट आज डिक्लेयर यहाँ पे किया गया है, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास +2 रिजल्ट्स 2020 अपडेटेड आफ्टर री इवेल्यूएशन, या आप कह सकते हैं कि री चेकिंग के बाद जो कि अपडेट किया गया है। रिजल्ट लेटर एंड कम्बाइंड रिजल्ट फॉर कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर रिजल्ट अवेलेबल है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मैं क्लिक करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको स्कूल नंबर एंटर करना है, सेंटर नंबर एंटर करना है और एडमिट कार्ड आईडी एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड वो आपको एंटर करनी है। इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा आफ्टर रीवैल्यूएशन वो यहाँ पे विंडो पे आपको नज़र आएगा। उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, बड़ी अपडेट आई है शिक्षा के विषय में सीबीएसई की तरफ से। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही इस तरह की रिलेटेड कंटेंट वाली लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।